राज कपूर हिंदी सिनेमा के ऐसे शानदार फिल्मकार और अभिनेता है कि उन्हें ग्रेट शोमैन कहा जाता है। उनके बाद बहुत लोगों ने उन जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन बरसों बाद भी कोई उन जैसा नहीं बन सका। राज कपूर ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो एक कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। राज कपूर की परवरिश और उन्हें राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। आज भी जितनी भी बार राज कपूर की फिल्में देखते हैं, दर्शकों को वही क्रेज रहता है। राज कपूर अपनी फिल्मों में अक्सर वो सब कुछ दिखाते थे जिससे वो खुद गुजर चुके होते थे, लेकिन बॉलीवुड ने इस चमकते सितारे को सिर्फ 63 साल की उम्र में ही खो दिया। हालांकि इनकी मौत एस्थमा की बीमारी के चलते हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे का कारण सरकार को भी माना गया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको राज कपूर से जुड़े इस राज के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिंदी सिनेमा के मशहूर शोमैन राज कपूर का निधन जिन हालातों में हुआ था, उससे ये कहा जा सकता है कि उनकी मौत समय से पहले हुई थी। अगर ये कहा जाए कि केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के चलते कपूर साहब का निधन हुआ, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हिंदी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले राज कपूर अपने आखिरी समय में एस्थमा बीमारी से पीड़ित थे। जिस समय वो अपनी आखिरी फिल्म हीना की शूटिंग में व्यस्त थे, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद इस अवार्ड को लेने के लिए राज साहब खुद अपने परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली आने के बाद उनकी एस्थमा की बीमारी ने ज्यादा जोर पकड़ लिया था, और इसी वजह से राज कपूर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखा करते थे। लेकिन अवार्ड लेने गए राज कपूर को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कारणों के चलते अपना ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर ही छोड़ना पड़ा। ऐसा कहा जा सकता है कि राज कपूर ने अपना सिलेंडर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की डोर भी बाहर ही छोड़ दी थी। इसके साथ ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड का समारोह शुरू हुआ और राज साहब दर्शकों के बीच बैठे थे। उन्हें काफी समय से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तभी अचानक राष्ट्रपति के.आर. नारायण के भाषण के बीच राज कपूर को एस्थमा का दौरा पड़ा। ऐसे में राष्ट्रपति अपना भाषण छोड़ स्टेज से नीचे उतर गए और राज कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज कपूर को तुरंत ही दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, मगर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 2 जून 1988 के दिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर अवार्ड समारोह के दौरान राज कपूर को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखने की इजाजत मिल जाती, तो शायद राज साहब बच जाते, मगर ये हो ना सका। आज भी लोग कहीं ना कहीं राज कपूर की मौत के पीछे का कारण सरकार को ही मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राज कपूर के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।